रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 2 से 6 जनवरी तक शीतकालीन सत्र होने वाला है और इसमें सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाए, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर विधायक दल की बैठक बीजेपी की शुरू हो गई है। 2 जनवरी से ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। 5 दिन के सत्र में हर दिन स्थगन लाने का निर्णय लेने की संभावना है। बेरोजगारी, वादाखिलाफी जैसे मामले सदन में विपक्ष रख सकती है जिसमें सरकार को घेरने। अधिक जानकारी के साथ प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जिस तरह से शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं जिसके लिए सर्वदलीय बैठक भी हुई है, और किन किन मुद्दों पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेर सकता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? जी देखिए, कल से 2 जनवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उसके जस्ट पहले विधानसभा भाजपा विधायक दल की बैठक आज चल रही है। अभी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। 5 दिन के सत्र में भर के सदन लाने का निर्णय लेने की भी संभावना। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी के मामले में सदन में विपक्ष सरकार को घेरेगी घेरेगी और दूसरी तरफ सरकार का कहना भी है कि हम भी पूरी तैयारी में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और बड़े मुद्दे में विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी के मामले में विपक्ष सरकार को घेरेगी। ठीक है, और ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, कब तक ये सर्वदलीय बैठक चलेगी और कौन कौन से विधायक इसमें शामिल हुए? विधायक मौजूद है, ब्रजमोहन अग्रवाल और कई वरिष्ठ विधायक भी मौजूद है, और भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल भी मौजूद है, और सभी वरिष्ठ विधायक मौजूद है। और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा सत्र में शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। कल मतलब 2 जनवरी से 6 जनवरी तक छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन का सत्र चलेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका प्रदीप। और ये थी रायपुर से खबर जहां पर सर्वदलीय बैठक बीजेपी की शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी, कौन कौन से प्रश्न लगाए जाएंगे, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, तमाम तरह की चर्चाएं। ये प्रोटोकॉल है कि कभी भी जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले जो विपक्ष होता है वो सर्वदलीय बैठक बुलाता है, सत्ता पक्ष भी सर्वदलीय बैठक बुलाता है जिसमें अपने अपने मुद्दों से बचाव करने का कैसे काम करें इस तरह से सत्ता पक्ष करती है, विपक्ष पर कैसे सरकार को घेरा जाए, किन किन मुद्दों पर जवाब तलब किया जाए, इन मुद्दों को डिसाइड करती है।